ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में 6 डॉक्टरों समेत 10 मेडिकल स्टाफ को किया गया क्वारंटाइन। सहारनपुर में 6 डॉक्टर समेत 10 मेडिकल स्टाफ को किया गया क्वारंटाइन, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इन सबको एहतियातन नियमानुसार कोरोना टाइम किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएस सोढ़ी ने बताया कि ये नियम है कि जो लोग एक्टिव क्वारंटाइन में ड्यूटी करते हैं, वे लोग 14 दिन ड्यूटी कर करने के बाद उन्हें 14 दिन पेसिव क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसी के चलते इन लोगों को 14 दिन एक्टिव क्वारंटाइन में ड्यूटी करने के बाद अब 14 दिन के लिए पेसिव क्वारंटाइन कर एक रिसोर्ट में रखा गया है और उनके सैंपल भी लेट टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोग सीधा अपने घरों में जाकर परिवार में इन्फेक्शन न फैलाएं। ऐसे में ही कल मेडिकल कॉलेज की टीम मेडिकल कॉलेज के नियमानुसार 7 दिन एक्टिव क्वारंटाइन में ड्यूटी करने के बाद वहां के स्टाफ के 8 लोगों को एक होटल में 14 दिन के लिए पेसिव क्वारंटाइन किया है। ये एक गवर्नमेंट का नियम है जो हमारे द्वारा फॉलो किया जाता है। उन्होंने बताया कि अभी तक स्टाफ के 29 लोगों का सैंपल लेट टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। अगर कोई कोरोना पहुंच जाता है तो उसका भी विधिवत इलाज किया जाएगा। ऐसा एक नियम है कि जो 14 दिन ड्यूटी करेंगे, एक्टिव क्वारंटाइन में रहेंगी हमारी टीम, उसके बाद 14 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसी संदर्भ में इन्होंने 14 दिन की एक्टिव ड्यूटी करने के बाद इन्हें पेंचो होटल में रखा गया है, रिसोर्ट है वो, वहाँ पर ये 14 दिन वहाँ पर रहेंगे। इस बीच में इनके सैंपल लिए गए हैं। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि ये अपने घर में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जिससे कि कहीं घर वालों को इन्फेक्शन ना दे दें। ऐसे ही कल मैंने मेडिकल कॉलेज की जो टीम थी, वहाँ का नियम ये है कि 7 दिन तक वो ड्यूटी करेंगे और 14 दिन की पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे। उनमें से 8 लोगों को कल मैंने क्लार्स होटल में यहाँ पर क्वारंटाइन करवाया। ये गवर्नमेंट का नियम है, उससे हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और बात बताइए, क्या इनके सैंपलिंग या टेस्ट भी होंगे? इनके सैंपलिंग भी होंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद अगर ये पॉजिटिव अगर निकलते हैं तो इनका विधिवत रूप से इलाज भी किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अब तक ऐसे कितने डॉक्टरों के सैंपल लिए आपने? अभी तक हमने सारे जितने भी हमारे डॉक्टर और स्टाफ, इवन जो हमारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, सबके हम सैंपल ले रहे हैं। लगभग कितनी संख्या होगी इनकी? 29 सबकी, मेडिकल कॉलेज और जो हमारे कोविड 1 हॉस्पिटल की टीम है, इन सब। थैंक यू सर।